हेलो जी, वेलकम टू माई स्टाइल माई फिटनेस। आई एम रवि सपड़ा और आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमको डेली कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर एक्सरसाइज के कितने रिपीटेशंस मारने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि हमको कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइडियली ये कहा जाता है कि हमको डेली 40 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि शुरुआत का 15 मिनट्स हमारा वार्म अप रहेगा और लास्ट का 10 मिनट्स हमारा कूल डाउन का रहेगा। बीच के टाइम में हमको क्या करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट क्या है। अगर हमारा टारगेट है फैट लॉस का तो हम बीच के टाइम में कार्डियो ज़्यादा करेंगे। अगर हमारा टारगेट है मसल बिल्डिंग का तो हम बीच के टाइम में मसल बिल्डिंग में फोकस करेंगे। अब कोई ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि हमको इतनी देर ही एक्सरसाइज करनी है। हम अपने टारगेट के हिसाब से इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, या हम इस टाइम को ख़त्म भी कर सकते हैं। शुरुआत में 15 मिनट्स वार्म अप, स्ट्रेचिंग और फिर कूल डाउन, आधे घंटे में अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस पे ध्यान देना चाहते हैं, अगर हम मसल बिल्डिंग में ध्यान देना चाहते हैं, तो बीच का टाइम हमको बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम खुद अपने जज हैं ये डिसाइड करने में कि हमारी इस वक्त कैपेसिटी कितनी है। जब भी हम एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं तो उस वक्त एक डायरी अपने पास ज़रूर रखें और बस नोट डाउन करते रहें कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। मैंने जॉगिंग कितनी करी, 4 राउंड, नोट डाउन। मैंने पुशअप्स कितने करे, 10, नोट डाउन। मैंने काफ्स कितने करे, मैंने स्क्वाट्स कितने करे, मैंने चेस्ट कितनी करी। जो भी आप एक्सरसाइज करने वाले हैं उसको डेली बेसिस पे नोट डाउन ज़रूर करें कि हाँ मैंने इतनी इतनी ये चीज़ कर ली है और आपको अभी कितनी दूर और जाना है। अगर हमारा टारगेट है फैट लॉस का और हमारी कैपेसिटी है इस वक्त मुश्किल से 2 या 3 राउंड जॉगिंग करने के, तो हम ग्रेजुअली पहले अपने स्टेमिना को इंक्रीज़ करेंगे। तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं कि इस बीच के टाइम में आपको क्या करना है। ये तो बात हुई अब कितनी देर एक्सरसाइज करने की, अब हम बात करेंगे कितनी रेपिटेशंस। अब जब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले दिन से ही 50 पुशअप मारना शुरू कर दूं। अगर मैं पहले दिन ही 50 पुशअप मार लूँगा तो अगले दिन मेरे अंदर एक भी मारने की जान नहीं बचेगी। तो इसको हमने कैसे फोकस करना है कि मैं शुरुआत में अगर मेरे से 10 पुशअप्स लग रहे हैं तो मैं 10 ही मारूँगा, अगर मुझे 5 लग रहे हैं तो मैं 5 ही मारूँगा, उसको नोट डाउन करूँगा। और नेक्स्ट डे अगर मैं 5 हैं तो कम से कम मैं 7 मारूँगा, उसके नेक्स्ट डे कम से कम 10 मारूँगा, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 50। धीरे धीरे करके मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा। अगर मैंने अपना टारगेट सेट किया है 50 पुशअप्स का तो मैं हो सकता है शुरुआत करूं 20 पुशअप्स पे। पहला सेट मारा 20 पुशअप्स का, नेक्स्ट सेट मारा 15 का, फिर नेक्स्ट मारा 10 का, फिर मारा 3 का, फिर मारा 2 का, फिर मारा 1 का। ऐसे कर करके मैं अपने टोटल काउंट, अगर मैंने 50 का टारगेट बनाया है तो मैं टोटल 50 मारूंगा। और ये बात सिर्फ पुशअप्स पे नहीं, कुछ भी मैं एक्सरसाइज कर रहे हूँ हर एक पे अप्लाई करती है। और अगर मैं कोई दूसरी एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें टाइम नोट डाउन करना है, जैसे अगर मैं प्लैंक्स कर रहा हूँ या मैं कार्डियो कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम नोट डाउन करूँगा कि मैंने 1 मिनट का कार्डियो करा, 1.5 मिनट का प्लैंक किया या कुछ भी किया, तो नेक्स्ट डे मेरे को उससे ज़्यादा करना है ताकि मेरा स्टेमिना बिल्डअप हो सके। और जब भी आपको लगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं कि मैंने 50 पुशअप मारने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ यार मैं तो और मार सकता हूँ, तो प्लीज़ उसको इंक्रीज़ करो। अगर आपने 50 से टारगेट बना रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि 50 पे ही ख़त्म कर दो। आपको लग रहा है 50 पुशअप मैंने मार लिए या मैंने 4 राउंड जॉगिंग कर लिए, मैंने 6 मिनट का प्लैंक कर लिया, फिर भी मेरे को लग रहा है कि मैं और कर सकता हूँ, तो प्लीज़ करिए। जब तक आपका स्टेमिना जवाब ना दे जाए तब तक आप करिए। अगर हम अपने स्टेमिना को चैलेंज नहीं करेंगे तो कभी हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो अपनी क्षमता को इंक्रीज़ करने के लिए ग्रेजुअली और डेली बेसिस पे अपने स्टेमिना को हमको चैलेंज करना ही पड़ेगा। और नोट डाउन करने से आपको हेल्प क्या मिलेगी कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाओगे, फोकस कर पाओगे कि हाँ मैंने आज इतना कर लिया तो कल मुझे इससे ज़्यादा ही करना है। जो जो भी मैंने एक्सरसाइज करी अगर मैंने वो सब नोट डाउन कर ली तो नेक्स्ट डे मैं प्रिपेयर्ड होकर जाऊँगा कि मुझे इससे तो यार ज़्यादा ही करनी है। और कई बार ये भी होता है कि हम किसी एक्सरसाइज को वीकली रिपीट करते हैं, तो अगर हमने लास्ट वीक क्या किया था वो हमने लिख के रखा हुआ होगा तो नेक्स्ट वीक में हमको पता रहेगा कि मैंने लास्ट वीक ये किया तो मुझे आज इससे एक्स्ट्रा ही करना है। अगर मैंने लास्ट वीक 10 पुलअप्स मारे थे तो इस वीक मुझे कम से कम 12 मारने हैं। तो ये चीज़ हर एक्सरसाइज पे अप्लाई करेगी। जब भी आप लाइट फील कर रहे हो तो अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए डेली बेसिस पे अपने स्टेमिना को चैलेंज करते रहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, वरना कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे हैं आप वहीं पर टिके रहेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा फिटनेस मंत्र पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी इस चीज़ से बेनिफिट ले सकें तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।